हेलो हाय फ्रेंड्स, आज का जो प्रोग्राम आपके लिए लाए हैं वो लाए हैं एक आरसी कार। ये जो सिंपल आप देख रहे हैं ये एक आरसी कार, ये रिमोट कंट्रोल कार आप इसे बोल सकते हैं, यानी कि रिमोट से कंट्रोल होने वाली कार को आप उनकी रेंज को कैसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, उनकी सेंसिंग रेंज को कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, ये इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले एक कार आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कार है, अभी इसे ओपन कर दें। हमने इसके जो स्क्रू है वो खोले हुए हैं, ठीक है। तो अभी ये ओपन हो चुकी है। अभी इसके अंदर कुछ पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये मोटर और ये मोटर, यानी कि दो मोटर इसके अंदर होते हैं जो कि टायर को मूव करने के लिए काम में आते हैं। ये टायर को मूव करता है तो ये टायर को घुमाता है, यानी कि आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ चलाता है, और ये टायर को डायरेक्शन एंगल चेंज करते हैं। तो ये दो इसके अंदर पार्ट होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इसका रिसीवर होता है और जो रिमोट होता है, रिमोट के अंदर आपका ये ट्रांसमीटर होता है। तो ट्रांसमीटर जैसे ही आप ये रिमोट का ट्रांसमीटर हमने निकाला हुआ है, तो इसका ट्रांसमीटर एक्चुअली में 4 बटन वाला है, यानी कि 4 जो आउटपुट है वो देता है, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हैं आप। ये देख रहे हैं आप, ये इसके ट्रांसमीटर हुए और ये रिसीवर होता है। जो फ्रिक्वेंसी ये जनरेट करता है ये 27 MHz का है, तो यहाँ भी ये इसे 27 MHz को रिसीव करेगा, यानी कि जैसे ही ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है तो ये रिसीव करता है। तो इसकी रेंज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अभी देख रहे हैं आप। इसके अंदर ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट को जैसे ही आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी, यानी कि आपकी जो रेंज सेंसिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टेंस में इस सर्किट के थोड़ा अंतर होगा, डिफरेंस होगा। तो इंडक्टेंस चेंज करते ही सर्किट का उसकी जो रेंज है वो इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। यदि आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ये जो देख रहे हैं आप, शायद आपको क्लियर हो रहा है, और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप इसे मूव करते हैं। यदि एंटी क्लॉक वाइज मूव करते हैं तो इसकी रेंज कम हो जाएगी, यदि क्लॉक वाइज मूव करते हैं तो इसकी रेंज बढ़ जाएगी, यानी कि आप 12 से 13 मीटर तक इसे बढ़ा सकते हैं, रेंज को 12 से 13 मीटर तक आप आसानी से इसे रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं और इसे डिक्रीज भी कर सकते हैं। अभी जो सेट है, नॉर्मली जो सेट होकर आती है, ये सेट होकर आती है 5 मीटर तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।